जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद में आयुष्मान कार्ड से लोगों को मिले लाभ पर कहा कि जनपद में 5.5 लाख से ज्यादा परिवारों को आयुष्मान कार्ड प्राप्त हुआ है। उसमें करीब 65 करोड़ की क्लेम की धनराशि की पूर्ति भी की गई है और 65,000 से ज्यादा लोगों को लाभ भी मिला है। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान चलाकर यह कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए हर कोटे के दुकान पर ग्राम स्तरीय उद्यमी को नामित किया गया है। यदि किसी की लापरवाही मिली तो उस पर कार्रवाई होगी। अभियान को रफ्तार देने के लिए हर गांव में लेखपाल इस दौरान मौजूद रहेंगे और सभी SDM इनका पालन करेंगे और लाभार्थियों को अधिक से अधिक कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जैसे आप अवगत हैं कि हमारे जनपद में 5.5 लाख से ज़्यादा परिवारों को आयुष्मान कार्ड का लाभ प्राप्त हुआ है और उसमें करीब 65 करोड़ की क्लेम्स की धनराशि की प्रतिपूर्ति भी की गई है। काफ़ी लोगों को 65,000 से ज़्यादा लोगों को लाभ भी मिला है। ये इसमें 1500 से ज़्यादा बीमारियों के लिए निःशुल्क 5 लाख तक की सीमा तक 100 से ज़्यादा अस्पतालों में जो हमारे यहाँ एम्पैनल्ड हैं वहाँ इलाज हो सकता है। बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें और प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए आयुष्मान कार्ड के पंजीकरण के लिए हमने रोस्टर बनाया है। जब इस महीने 3 बार राशन वितरण की कार्रवाई चलेगी। हर एक कोटे में जब भी राशन वितरण होगा वहाँ पे शिविर लगेगा। वहाँ पे विलेज लेवल एंटरप्रेनर हमारा जो जनसुविधा केंद्र के हमारे लड़के हैं वहाँ बैठेंगे। हमारा लेखपाल पर्यवेक्षण करेगा। हमारा ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, तहसील स्तरीय कर्मचारी अधिकारीगण उसका पर्यवेक्षण करेंगे। सबके सहयोग से हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बनाने में कामयाब हो पाएंगे। मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि सभी पात्र लाभार्थीगण जिनके भी अंत्योदय कार्ड बने हुए हैं वो कृपया इन शिविरों में प्रतिभाग करें, अपना कार्ड बनवा लें और इस योजना का लाभ लें। सर, दिन भी निर्धारित किया गया है किस दिन? हाँ, जिस दिन वितरण होना है उस रोस्टर तय कर दिया गया है और उस दिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बनाने में हम कामयाब हो सकें।